रिव्यू भी है, इसलिए उसका कुछ 70% है पूरे देश के लिए। इतनी अनइम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, आपको कुछ बोलना आप सकते हो, आप लोग बोल रहे हैं ठीक है, सभी साहब बैठे होते साढ़े अपने उठे बैठे जाओ, उन्हें गल करनी है, नहीं करेंगे नहीं करते तो साढ़े पास घाटा है, इन्हें करना अपने लोगों पास बैठना है। मेरा थोड़ा जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहे हैं कि जो साड़ी चीजें साढ़े कितने गलत पाया शुरू नहीं चल रहा, तुम देखो वार्ड मैंबर लिखो चाहे पी के बोलते सरपंच लिखो भाए लिखो एम एल ए लिखो कुछ भी देखो एम पी देखो पूरे साढ़ा ना जो पिछले 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 वार्ड मैंबर तुम्हें देखा टिकटा मंगाइया बहुत सारे टिकट मिली टिकट मिली उसे इतने वार्ड वार्ड नंबर तीन से और इनकी कट्टी गई कोई नहीं बोलिया, क्यों नहीं बोलिया, बोलना चाहता उसने भी बोलना चाहता कि आप भी साढ़े कने अस लोग सारे कने चलिए जो साड़ी बारी है सब बैठे दसी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन पूरी स्टेट के मतलब पहली बार इनसे मिला तो ऐसा लगा जैसे किसी हीरो से मिल रहा हूँ, हैंडसम स्मार्ट और खूबसूरत, इसके लिए आप राजा साहब और मुझसे बहुत से बड़ी बड़ी मुबारक है और काम करने वाले जानदार नेता हमारे देश में हमारे युवा भारतीय जनता पार्टी के बाल महाजन जी जो हमारे युवा के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में लेकिन इस वक्त हमारी अपनी सरकार है, हमारे मोदी साहब इस वक्त जो सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर वो खुद इस ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं कंसिडर किया था और ये वाकई ये बड़ी दुख की बात है कि इस वक्त मेजॉरिटी में जो है अगर जनगणना कराई जाए तो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो ओबीसी की, और ओबीसी को जितनी मेजॉरिटी होने के बावजूद जितने उनको हक मिलने चाहिए थे जितनी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उससे वो थोड़े से वंचित हैं। बड़ी हम लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए बनी है, ओबीसी समाज के लिए, एससी समाज के लिए, एसटी पार्टी ने वो सब इन्हीं समाजों के लिए बनाई थी, लेकिन हमको वो जो स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका होना चाहिए, उनसे हमने हमने फायदे लेने उससे फायदे लेने ओबीसी मोर्चा ओबीसी मोर्चा काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जहाँ जिंदगी को हक काट देता है जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल है। प्रदेश के अध्यक्ष बड़े जुझारू नेता जम्मू से हमारे बीच पहुंचे हैं तो कठुआ के आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर हमको स्वागत है, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व अध्यक्ष मेरे बड़े भाई प्रियंका डोगरा जी, एससी मोर्चा के हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जी तिलकरा जी, सुनील प्रजापति जी जो उनका मान सम्मान करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, ये अगर हम सबको किसी से सीखना है तो उसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो विशन दास जी है। मैं कहूँगा कि तालियों के साथ ऐसे लोग जो अपने समाज को एकजुटता क्या है वो दिखाते हैं और हर समय प्रयास में रहते हैं कि अपने समाज को कहीं ना कहीं किसी बारे से हम लोग एक जगह बैठ कर बातचीत करें, हमारे समाज में क्या उचित चीज़ें हैं, क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें बैठ कर तय होती हैं, इस प्रकार हम लोग पूरे परिवार में बैठते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये हर समय ऐसा प्रयास करते हैं अपने समाज को इकट्ठा रखने के लिए, उनकी दुख तकलीफें जानने के लिए, और पार्लियामेंट क्षेत्र का एक निवासी होने के नाते इस प्रकार चिंता जी और जितने भी हम लोग परिवार पार्लियामेंट क्षेत्र के रहने वाले हैं, हरजिंदर जी हैं और भी पप्पू जी हैं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, मुझे ठीक से याद है कि आप लोगों के प्रयास से ये बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाकी ओबीसी समाज की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद जब आदरणीय मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई, मोदी जी ने सबसे पहले एक ही बात कही थी, सबका साथ और सबका विकास सबका विश्वास, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ये जरूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो कहा है वो हमेशा किया है,
चाहे एससी समाज की बात करें, चाहे एसटी समाज की हम लोग बात करें, ओबीसी समाज की रिजर्वेशन की बात हर बैठक में हमारे जितने भी हमको सिखाया जाता है। और मुझे ये जानकर मैं बताना चाहूँगा कि हर बैठक में जब भी राइट प्लेटफॉर्म में बात रखने की बात होती है तो आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े ही दमदार तरीके से आपकी बात वहाँ पर रखते हैं। अरे ओके, क्या सकता हूँ, हम लोगों ने सोचा है, हमारे समाज ने सोचा है उसको कि कहीं ना कहीं जल उसको पूरा करने का प्रधानमंत्री जी और हमारी जो प्राथमिकता देता है।